झूठे मक्कार बदतमीज लड़के बताती हूँ मैं तुम्हें। भाभी क्या हुआ है? पूछो अपने लाडले से क्या हुआ है। झूठा था इनका, सारे चावल गिरा दिए। तो भाभी मैं उठा लेती। बेटा गिराए और माँ समेटे, माँ ने दूध उबाल के गिरा दिया और बेटे ने चावल। झूठ बोल रही है ये, मैंने नहीं गिराए, आसिम ने गिराए हैं। झूठ बोल रही हूँ मैं? इधर बताती हूँ मैं तुम्हें, झूठ बोल रही हूँ, ठीक करूँगी ना। समझ जा, छोड़ दे इसको। देख रही हूँ मैं माँ की शह पे कर रहा है ये, और माँ है कि सारे करतूत छुपा रही है। आसिफ बेटा बताओ किसने गिराए चावल? आसिम ने गिराए हैं। ये बेजा लाड प्यार का यही अंजाम होता है। ये क्या कह रही है, उसने किया है ना। आसिफ करो, ऐसे बात नहीं करते, मत करो बदतमीजी। वाह भाई वाह, इसने कहा और माँ ने मान लिया। दो थप्पड़ मारो इस बकवासी के मुंह पे, आइंदा झूठ बोलने की हिम्मत ना करे मेरे घर में। चलो बेटा। नहीं मामा, मैं सच कह रहा हूँ। सुनो आसिफ, तुम अभी बाहर जाओ और खेलो। चलो जाओ आसिफ। पता नहीं तुमने भाभी के बाद आमिर को कैसे संभाला है। बस वक्त गुजर ही जाता है। सच पूछो तो उसकी कमी आज भी महसूस होती है। जाने वाले खला तो छोड़ ही जाते हैं ना। अब सलमा भाभी अपने आप को जितना भी मजबूत जाहिर करें, नजीब की कमी तो नहीं पूरी हो सकती ना। हाँ तो नजीब भी तो अकेला ही कमाने वाला था, मुश्किल तो होगी। इसलिए तो मैं तुम्हें वापस बुला रही है। तुम्हें पता है ना नजीब के हालात भी ठीक नहीं थे। इतनी आबाई जायदाद होने के बावजूद उस बेचारे का बाल बाल कर्जे में बंधा हुआ था। रफीक भाई से बात हुई थी मेरी, बताया था उन्होंने मुझे, इसलिए मुसलसल रابطے में हूँ मैं अम्मा के साथ। मजीद, अम्मा तुम्हारी तरफ से बहुत परेशान रहती हैं। मेरा और आमिर का अच्छी तरह गुजारा हो रहा है, साल हो गए हम दोनों को एक दूसरे का सहारा बने हुए। इतना बहुत है भाई, बस कर दो, वापस आ जाओ। देखो आमिर का ननियाल भी इधर है, हम लोग भी इधर हैं, मिलके कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, तुम बस वापस आ जाओ। चलो देखते हैं, चलता हूं मैं, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज। खोलो आगे। ये तो मेरी कार है। थैंक यू बाबा। लव यू बाबा। लव यू।